हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है और खाने में बहुत लाजवाब है। आप इसको खाने के बाद बिल्कुल नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो आज बनाएंगे आलू और कटहल की सब्जी बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल में। तो यहाँ मैंने कटहल लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और कट कर लिया है। तो कट आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरह छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ दो प्याज को काट लिया है और दो टमाटर लिए हैं और एक इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं। तो जो प्याज अदरक लहसुन है इसको हम एक साथ पीस लेंगे और टमाटर को अलग से पीसेंगे। ये जो कटहल और आलू की सब्जी है, आप इसको मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। और अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो बिल्कुल नॉनवेज वाला टेस्ट इसमें आपको मिलने वाला है। और यहाँ टमाटर को भी देखिए मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि इसे भी हमें पीसना ही है। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी धनिया, साबुत धनिया जो होता है। इसका जो फ्लेवर है कटहल के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज के साथ पीसा हुआ धनिया जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, मस्टर्ड ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल में जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही अमेजिंग आता है, तो प्रेफर करूँगी कि मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे 50% तक कुक करना है, मतलब फ्राई करके, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बाकी जो है ग्रेवी के साथ ही कुक हो जाएगा। तो बस गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कटहल जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसे निकाल लेंगे अब। और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर 2 आलू भी यूज़ किए हैं। आप चाहें तो आलू के साथ बना सकते हैं या बिना आलू के, जैसा आपका मन करे। लेकिन आलू के साथ इसको बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो ये ब्राउन हो गया है, अब इसके साथ साथ मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए आलू भी मैंने डाल दिए हैं। आलू को भी हमें जब तक इस पर हल्की सी एक कोटिंग ना आ जाए तब तक फ्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं करना। 50% तक इसको कुक करेंगे, बाकी ये ग्रेवी के साथ ये भी हो जाएगा। तो ये देखिए आलू हमारा हो गया है 50% तक। मैं आपको कट भी करके दिखाती हूँ, ये देखिए ईजिली कट रहा है। तो बस इसी स्टेज पे आलू को भी निकाल लेंगे। और ये जो बचा हुआ तेल है इसके अंदर ही हम अपने आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, जीरे के साथ साथ डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 काली इलायची और इसके साथ साथ मैं डालूँगी 2 सूखी लाल मिर्चियाँ, 3, जो भी आप जितना तीखा खाना चाहें। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर 1 अनियन को स्लाइस में कट करके डाल रही हूँ। 2 अनियन का मैंने पेस्ट बना लिया था और 1 को मैं स्लाइस कट के डाल रही हूँ। इससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आता है, एक दरदरा सा टेक्सचर, जैसा कि रेस्टोरेंट में आता है ग्रेवी में। तो ये देखिए इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लिया। और जो हमने अब प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। मेन इसमें ग्रेवी का काम यही है कि जो प्याज है इसको अच्छे से भूनना है हमें, जब तक कि ये बिल्कुल कम ना हो जाए अपनी क्वांटिटी से और अच्छे से ये ऑयल रिलीज ना कर दे। अभी आप देख रहे हैं कि प्याज बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे ये कुक होएगा, ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया इसका, जैसे जैसे ये कुक होएगा कम होता जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से भून गया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, जो हमने प्यूरी बना के रखी थी टमाटर की। ये टमाटर ऐड कर दिया है और टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डालूंगी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी बचा था, वो मतलब पेस्ट बचा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया है और ऑयल भी इसने रिलीज कर दिया है। तो बस जो अपना कटहल और आलू था वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही मैंने
तीन हरी मिर्च को स्लाइड करके डाला है और कटहल और आलू डाल दिए और बस अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अभी से देखिए कलर इसका कितना बढ़िया लग रहा है और बनने के बाद तो उतना ही टेस्टी ये लगने वाला है। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए। मुझे ये थोड़ा सूखा सूखा पसंद है इसलिए मैं इसमें एक ही गिलास पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और कटहल हमारा ऑलमोस्ट कुक है। और हमारे देखिए कटहल का कलर कितना बढ़िया आया। अब इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इस कटहल में। तो बस ये हल्का सा पानी हम सुखा लेंगे और साथ ही डाल देंगे हम आमचूर पाउडर और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और थोड़ा सा जो पानी बचा है उसको सुखा लेंगे और बस रेडी है हमारा कटहल। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। सर्व करते हैं इसे। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।